प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उत्तर मध्य रेलवे अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत 41,000 करोड़ की लागत से बना 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और 1500 रोड और ब्रिज रेल परियोजनाओं का शिलान्यास प्रदेश के कई जिलों के गाँव वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किया गया। इसी को देखते हुए आज दिन सोमवार प्रयागराज मांडा थाना अंतर्गत दिघिया गांव में बना रोड और ब्रिज का उद्घाटन पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह के द्वारा किया गया, जिसमें जैनिक चिल्ड्रेन एकेडमी के छात्र एवं छात्रा द्वारा स्वागत गीत और इंग्लिश हिंदी में स्पीच दिया गया। उसके बाद पूर्व ब्लॉक प्रमुख अशोक सिंह के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। ज्ञात हो कि लेवल क्रॉसिंगों पर होने वाली दुर्घटनाएं भारतीय रेल में एक समस्या का कारण रही है। अब लेवल क्रॉसिंगों के उन्मूलन के लिए बन रहे इन रोड और ब्रिजों एवं अंडरपासों से रेल परिचालक और मानव जीवन दोनों को लाभ मिलेगा। भारतीय रेल ने वर्ष 2019 में ही मानव रहित संपार समाप्त कर दिए थे। अब क्रमिक रूप से धीरे धीरे फाटक वाले संपार भी समाप्त किए जा रहे हैं और इसी वृहद प्रयास की दिशा में यह कार्यक्रम एक बहुत बड़ा कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, एके न्यूज़।